राजस्थान के फतेहपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप और हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में 3 अक्टूबर को हजारों की संख्या में लोग डीएसपी ऑफिस के पास पहुंचे और प्रशासन से आरोपियों को फांसी की सजा के साथ साथ पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इस पूरे प्रदर्शन के बाद आखिरकार देर शाम तक संघर्ष समिति के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हुए अधिकारियों ने 2 दिन का समय मांगा। वहीं स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। फिलहाल इस मामले में फतेहपुर और रामगढ़ सेखावटी के बाजार को बंद कर दिया गया है। हम सब मैदान में आज हजारों की संख्या में लोग सड़क पे बैठे हैं। इस बात का सरकार को सुनने की जरूरत है, खास करके इस बात की पीड़ा है कि इतनी 9 दिन बीते जाने के बाद भी सरकार का नुमाइंदा उनके घर नहीं पहुंचा, उनको आंसू पोंछने नहीं गया। खास करके यहाँ जो विधायक है उन्होंने अभी तक फेसबुक के माध्यम से भी खेद व्यक्त नहीं किया। कल एक जरूर फॉर्मेलिटी करने के लिए उनको पता चला कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, इसलिए हम ये चाह रहे हैं परिवार को न्याय दो, परिवार को मुआवजा दो और सहयोगियों को जो उन्होंने दुष्कर्म किया उनको फांसी दो। 8 घंटे की चली मैराथन प्रदर्शन में करीब 80 से अधिक लोग ने आम जन को संबोधित किया। इस प्रदर्शन में कई चर्चित जन प्रतिनिधियों ने लोगों को संबोधित करते हुए संघर्ष में साथ देने का वादा किया है। 11:30 बजे चूरू एसपी कार्यालय से मेरे पास कॉल आया कि बच्ची को मुंबई से बरामद कर लिया गया है। क्या 6 दिन से प्रशासन कोई नींद में सो रहा था क्या? लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं का दबाव इन पुलिस वालों को काम नहीं करने देता। और आपने ये हजारों की संख्या में आ जाके हमारे को भी न्याय दिलाने का काम किया, आपकी भांडी थी, आपने न्याय देने का यहाँ काम किया, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस दरिंदों ने एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसको कुएं के अंदर डाल दिया और आज तक 24 तारीख से लेकर आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की है। तो उस दिन जो मांगे थी, जो 24 तारीख को मामला था, वहीं पे वही मामला आज है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि समय रहते सरकार अपनी आंखें खोल ले, नहीं तो विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बता दें कि सीकर के रामगढ़ कस्बे के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव 24 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे बरामद हुआ था। लड़की करीब 1 दिन पहले रात के 1 बजे से लापता थी। इस मामले में लड़की के मामा ने गैंगरेप का केस दर्ज करवाया था। फतेहपुर सहित आसपास के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 5,000 लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में प्रदर्शन स्थल पर पुलिस और आरएसी के जवान भारी तादाद में कानून व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद दिखे।